नवाज शरीफ जब भी इक्तदार में आए डील करके आए, इमरान खान भी डील के तहत आए। डील करने वालों को डील करना आती है, मुल्क चलाना नहीं आता। आसिफ जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब और कहा, मुझे गिरफ्तार करने का रास्ता तलाश किया जा रहा है, अगर गिरफ्तार किया गया तो पहले से ज्यादा मशहूर हो जाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में अपने एजाज में दिए गए जहराने से खिताब करते हुए सियासत को आर्ट करार दे दिया। वहीं सियासी मुखालिफीन को भी आड़े हाथों लिया। साबिक सदर का कहना था कि नवाज शरीफ जब भी इक्तदार में आए डील करके आए। मौजूदा वजीर आजम भी डील के तहत आए हैं। डील करने वालों को ही डील करना आता है। मेरे भी मियाँ साहब पान तो कौन आयो वही आया कदे भी जिंदगी में मियाँ अकेलो ना आयो कौन को डील से आयो ही भी डील से आयो पर ही डील वारन के डीलिंग करना चाहिए थी कम करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि वजीर आजम कशकोल लेकर दुनिया में घूम रहे हैं, हमने अपने वसाइल से मुल्क चलाया, कशकोल नहीं उठाया। चाइना करेंसी का मुआहदा अब हुआ, हमारी हुकूमत पहले ही 6 ममालिक से इस तरह का मुआहदा कर चुकी थी। ऐसा कोई कर्ज न वरता ऐसा पांजी मां पांजो कयोसी ए पो भी हर कम करायोसी हाने जे को ही चाहे पियो तो मु करेंसी स्वॉप कराया हुआ माना हुनन जो पैसो या असान जो पैसो जो कोई एक बे के डिबो यो मुछन मुल्कन सा करायो सिर्फ चाइना सा ना पर टर्की सा भी करायम ईरान सा भी करायम श्रीलंका सा भी करायम आई जॉर्डन सा भी करायम। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सियासत वही करे जो इसे समझता है। जेल या गिरफ्तारी कोई मसला नहीं, उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो पहले से भी ज्यादा मशहूर हो जाएंगे।